तो दोस्तों जय माता दी, दोस्तों जय माता दी इसलिए मैं कह रही हूँ क्योंकि लाल लाल आप मुझे देख रहे होंगे। हम लोग जा रहे हैं पूजा पाठ करने, सुबह सुबह का टाइम है, वैसे 10 बज चुके हैं और ओम को हमने स्कूल छोड़ दिया है। अभी हम पापा को लेने जा रहे हैं, वहीं से मम्मी भी, दीदी भी, सभी लोग हमारे साथ ही चलेंगे, देखते हैं अभी। और असल में फ्रेंड्स, देहरादून में ही धर्मपुर एक जगह है, वहाँ पे मेरे एक चाचा जी रहते हैं। तो हमारा पूरा परिवार मिलके, मतलब पूरा कुटुंब, दोनों दादाजी के बेटे, मेरे सारे चाचा ताऊ जो भी हैं, सब मिलकर ना माता का पाठ करवा रहे हैं, पूजा करवा रहे हैं। तो वो कंबाइंड हो रहा है, वहाँ पे जाना है, कल ही पापा ने बताया, और 9 दिन का चलेगा वो पाठ। तो इसीलिए जल्दी जल्दी मैं सुबह सुबह सब फटाफट, कितनी जल्दी कर लो फिर भी थोड़ा बहुत लेट हो ही जाते हैं, तो इसलिए वहाँ पर 9 दिन की पूजा चल रही है। 9वें दिन वहाँ पे हवन होगा, भंडारा होगा, काफ़ी अच्छा फंक्शन है। और सबसे बड़ी बात ये कि ये पूरा परिवार मिलके करा रहा है ना, तो सालों सालों से जिनसे नहीं मिले वो शायद वहाँ पे मुझे मिल जाएंगे। अभी देखती हूँ कि मैं वहाँ पे किस किस से मिल सकती हूँ, आपको भी मिलवाऊंगी। पुष्पम अक्षतां गत्वा दुर्गायै नमः, दुर्गायै नमः पादौ पूजयामि। दादा अब यह मानसिक भी चंदन की माँ की पूजा करने की भाव बना ना, तो तार जुड़े एकदम बिल्कुल है ना। बस भाव के भूखे हैं भगवान, बस ये चीजों के भूखे नहीं हो। ओम महाकाले नमः गुरुभो पूजयामि, ओम मंगलाय नमः जामदेव पूजयामि, ओम कात्याय नमः रुद्रदेव पूजयामि। आप तो छोटे हो भी मेरे से, रीना दीदी मेरे से थोड़ा सा ही बड़ी है ना, 2-4 महीने 6 महीने तो छोटे हो फिर, दोनों ही छोटे हो मेरे। तो फ्रेंड्स अभी मैं अपने फैमिली फंक्शन में आई हुई हूँ और यहाँ पे ऐसे ऐसे लोग मिल रहे हैं जिनसे पता नहीं मैं पैदा होते हुए मिली होंगी शायद कभी। फैमिली में ताऊ जी, पापा, चाचा जी यही है, सबसे बड़ी बहू हमारी भाभी जी है, ब्यूटीफुल सी है, देख लो भैया। राजेश भैया, राजेश। तो फ्रेंड्स उधर बैठे हैं मेरे हस्बैंड राजेश और यहाँ पे बैठे हैं मेरे भैया राजेश। भैया सबसे बड़े हैं हम सब में, जितने भी हम भाई बहन हैं, कजन्स हैं,
और ताऊ जी के सबसे बड़े बेटे, हम सब में बड़े भैया हैं। तो भैया अभी तो कितने साल से रह रहे भैया बाहर? मुझे 15 साल हो गए। 15 साल हो गए ना, और 15 साल से मैं बाहर हूँ। पिंकी हमारे चाचा जी की लड़की है। कैसी है? फ्रेंड्स मेरा नाम पिंकी है, घर का बहन है हमारी, लेकिन ये काफी सालों में मिली है मुझे, 3-4 साल में मिली है, तो बहुत अच्छा लग रहा है मिलके। और हमने एक अनुष्ठान बिठाया यहाँ पे इस साल देवी की नवरात्रि, तो उसमें आज ये आई है, तो बहुत खुशी हो रही है इसको मिलके। मुझे भी, क्योंकि भैया बहुत कम मिल पाते हैं, बाहर रहते हैं, जब जब उनकी छुट्टियां और टाइम लगे तभी मुश्किल से मिलते हैं, कि कोई शादी ब्याह है ना, ये सब कोई फंक्शन होगा तभी मिल पाते हैं। तो पिंकी के बारे में कुछ खास नहीं क्या बताएंगे? बहुत बचपन की मुझे याद है, बहुत नटखट थी ये, और इसकी एक चीज मुझे अभी भी याद है कि इसको जो है मतलब खाने का बहुत शौक रहता था। अरे अभी भी खाना चाहिए। और मुझे अच्छी तरह याद है कि एक बार हमने हमारे घर में आंगन में तिल रखे हुए थे सुखाने के लिए। अच्छा। जो है तो तिल सुखाने के रखे थे, तो इसने जो है, और एक मेरा छोटा भाई था रोशन दूसरा, इन दोनों ने मिलके वो तिल ही खाने शुरू कर दिए वहाँ पे बैठ के। बहुत सी यादें हैं बचपन की जुड़ी हुई इससे। और भैया तो खैर हमारे लिए मतलब एज अ पेरेंट गार्जियन ही समझिए, क्योंकि सब में बड़े हैं, और मतलब हमारे लिए प्राउड भी है भैया कि हमारे लिए आदर्श भी है कि इतने साल से वो अपने बलबूते है ना, उन्होंने सब कुछ सक्सेस हासिल किए, बाहर रह रहे हैं बहुत टाइम से। दुबई में है ना भैया? हाँ, अबू धाबी में। अबू धाबी, दुबई में भी था मैं 5 साल, दुबई में था, आजकल अबू धाबी में। और भैया है किस फील्ड में? मैं मैनेजर हूँ होटल में। होटल में है भैया बहुत टाइम से, और एज अ मैनेजर आज। तो वही है कि ऐसे मौकों पे मिल पाते हैं। तो फ्रेंड्स ये है मेरे भैया, भाभी जी से आप मिल चुके हैं, आगे और भी मिलवाऊंगी शायद हम यहाँ पे अभी फिर से आए। तो फ्रेंड्स अभी जब जहाँ पे हम आए हुए हैं, ये है मेरी बड़ी चाची जी, दूसरे नंबर के दादाजी उनकी बहुएं हैं, और सबसे बड़े वाले दादाजी तो हमारे वाले दादाजी थे ना, दूसरे नंबर के। हाँ, तो ये चाची जी हैं, बिल्कुल घर के ही वे सगे हैं सब, और वो छोटी चाची जी हैं, दोनों देवरानी जिठानी है। ये अच्छा पॉइंट बोला। तो चाची जी ने ही घर में अभी अपने घर में सब कुछ मतलब अरेंजमेंट किया है, सारा पाठ पूजा सब चल रहा है यहाँ पे, 9 दिन तक चलेगा, मैंने आपको बताया था सोमवार को हरियाली कटेगी और भंडारा है ना। तो यही है कि देहरादून में आसपास रहने का कितना फायदा है कि मैं सबसे मिल सकती हूँ। तो ये है हमारा बहुत बड़ा परिवार है, अभी तो आधे लोग आपको मिले ही नहीं है यहाँ पे, आधे आए हुए ही नहीं है। ये हमारे सबसे छोटे दादाजी की बहू हमारी चाची जी, तो यहाँ पे चाची चाची तो सब है, मेरी ताइयों सब गायब है, मेरी जो सगी ताई और भी एक और चाची जी हैं, बहुत सारे हैं, मैं वही तो कह रही हूँ अभी आपसे सबसे मिलवाना है, देखते हैं कब मौका लगता है। प्रसाद वितरण चल रहा है, भैया भाभी जी दोनों मिलके कर रहे हैं। ये किसने बनाया भाभी जी सारा? अच्छा 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 अच्छा, आप ही बनाते हो? ओ चलिए, हाँ अच्छा, और जिनके नहीं है वो भी खा सकते हैं ना। हाँ भैया खा रहे हैं, आप लोग भी खाओ ना।